सब्सक्राइब कीजिए सुमित ऑनलाइन क्लासेस को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। सुमित ऑनलाइन क्लासेस के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, बैलेंस शीट दी हुई है हमारे को एक्स और वाई की, कैलकुलेट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो 6% पर एनएम से, और ये पेबल किसको दिखाना है, वाई को दिखाना है 31 मार्च 2016 में। तो वाई की पूछी है लेकिन हम एक्स की भी निकाल देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो लाइबिलिटी साइड दिखाया हुआ एक्स की कैपिटल लगा रखी है, कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग कैपिटल है जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई जाती है 31 मार्च की। तो इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, प्रॉफिट भी ऐड हो चुका है, ड्रॉइंग भी माइनस हो चुकी है, तो सभी चीजें कैलकुलेट करने के बाद एक क्लोजिंग कैपिटल आती है। तो ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल दी है एक्स और वाई की। प्रॉफिट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर 20,000 जो इस साल का है, मतलब ऐसा प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया है, तो ये कैपिटल के अंदर ऐड नहीं हुआ होगा अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है। एसेट से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है, वाई ने ड्रॉइंग की है कितनी, 15,000। तो हम क्या करेंगे, 15,000 को देख लेंगे। कहता है प्रॉफिट हुआ है 2015-16 में 30,000, 30,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ था जिसमें से हमने 20,000 को तो रिजर्व रख लिया, तो डिस्ट्रीब्यूट कितना किया होगा, 10,000 किया होगा। अगर हम रेशो की बात करें तो रेशो दिखा नहीं रखी है, तो रेशो क्या मान लेंगे, 1:1 रेशो डिवाइड कर देंगे। तो हर किसी के पास 10,000 में से अगर हम बात करें कितना गया होगा, 5,000, 5,000 ऐड हुआ होगा, तो उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने ये ईयर है, ठीक है, और हमारे को क्या दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है किसकी, एक्स की, और ये कौन है, वाई, ठीक है ना। एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है, लास्ट में हमारे को दे रखी है 50,000, ठीक है, और वाई की कैपिटल कितनी दे रखी है हमारे को, 40,000। इसके अंदर कहता है प्रॉफिट ऐड है कितना, 30,000 में से 20 तो रिजर्व रख लिया, रह गया कितना, 10, 10 को अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 5,000 इसके अंदर ऐड है, और 5,000 किसके अंदर ऐड है, इसके वाई के अंदर ऐड है। नेक्स्ट क्या कहता है वाई ने ड्रॉइंग की थी इस साल कितने की थी, 15,000। तो वाई ने ड्रॉइंग की थी तो 15,000 क्या हो चुका है, इसमें से माइनस हो चुका है, एक्स ने तो ड्रॉइंग की, बस ये केस है। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो किसका, वाई का, भाई हम तो एक्स से भी निकाल देंगे, क्या फर्क पड़ता है हमें। तो भाई अगर ओपनिंग कैपिटल की बात करोगे तो ओपनिंग कैपिटल कितनी हो जाएगी, 50,000, इसके अंदर 5,000 ऐड है तो कितने हो जाएंगे, 45,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें 40,000 आए हैं 5,000 ऐड करने के बाद, तो कितने रह जाएंगे, 35, 35 के अंदर 15,000 माइनस हो चुके हैं, तो कितने हो जाएंगे, 15,000 ऐड होके कितने हो जाएंगे, 50,000 आ जाएंगे। अगर हम इंटरेस्ट निकालना है किसका निकालना है, एक्स का निकालना है, एक्स का अगर इंटरेस्ट निकालोगे तो कितना है हमारे पास, 45,000 × 6/100। अगर वाई का निकालना है तो वाई कितना है हमारे पास, 50,000, 50,000 के अकॉर्डिंग 6/100, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई, इससे जीरो से जीरो काट दो, ये कितना आ जाएगा, 450। तो 450 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे आप, 6 से, तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 2,700 आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2,700। अगर हम बात करें 500 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3,000 आ जाएगा। इसको अकाउंट के अंदर ट्रीट करें तो क्या दे देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसको देंगे, एक्स को देंगे और एक वाई को देंगे। एक्स को कितना दे देंगे, 2,700, और वाई को कितना दे देंगे, 3,000। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,700, ठीक है, और 5,700 आ जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे को नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारे को, ये दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का 30,000। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट कितना था ये, 30,000, ठीक है, ये दिखा देंगे। उसके बाद इसमें से कुछ और माइनस हुआ है, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, तो 30,000 में से माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा, 30,000, और ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास, 30,000। और 30,000 में से क्या माइनस करोगे आप, ये क्या हमारे पास, 30,000 माइनस करोगे 5,700, तो हमारे पास कितना आएगा, 24,300। और कुछ हमारे को डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो नहीं दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जो एक्स में और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड किससे करो इसको, 2 से, कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,150 और 12,150, ठीक है। अब यहाँ डाल देंगे हम किसमें, एक एक्स है और एक कौन है, वाई है, एक एक्स है और एक कौन है, वाई है, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, ब्रोट डाउन कितनी कैपिटल थी स्टार्टिंग में,
45,000 और एक्स में कितनी थी 50,000। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पर आया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना आया यहाँ पर 2701 आ गया और 3001 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या मिला, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से भी अमाउंट आया हमारे पास 12,150 और 12,150, ठीक है ना। उसके बाद कहता है हमने क्या की, हमने ड्राइंग की, किसने की ड्राइंग, ये ड्राइंग की वाई ने, तो वाई क्या लिखेगा टू ड्राइंग, ठीक है ना। एक्स ने ड्राइंग नहीं की तो वाई ड्राइंग की है, तो कितना लिखेगा 15,000। उसके बाद आप टोटल कर लो, टोटल कितना है ये 50,000 एक प्लस कितना है आपका 3,000 प्लस कितना आ गया आपका 12,150, तो कितना आ जाएगा ये 65,150, ठीक है 150, ठीक है। और यहाँ भी कितना आ जाएगा 65,150, और इसमें से कितना माइनस करोगे 15 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 50,150, और ये क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी कैरी डाउन। अब इसमें देखते हैं 45,000 एक होता है और 2700 एक होता है 2.7 प्लस कितना है ये 12,150 प्लस कितना आ जाता है 12,150, ठीक है। तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना आता है हमारे पास 59,850, ठीक है। ये क्या आ जाएगा 59,850, ये कितना आ जाएगा 59,850। तो आपने ऐसे डील करना है इसके अंदर, अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आता है तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सुझाव या कोई शिकायत है तो वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपडेट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।